गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज दर्जा आठ के इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे पी वन एग्ज़ाम के लिए। पी वन एग्ज़ाम में आपके दो सबक आ रहे हैं, एक कपड़ों की दावत और सबक नंबर तीन लोकगीत। आज हम सबक नंबर दो का रिवीजन करेंगे, इसका नाम है कपड़ों की दावत। इस सबक को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसा कि सबक में बताया गया है, नासिरुद्दीन नाम का एक शख्स जो कि गरीब जरूर था लेकिन बहुत जिंदा दिल और खुश मिजाज था। एक बार वो कहीं से अपने काम से लौट रहा होता है और रास्ते में उसको उसका एक पड़ोसी मिलता है जो उसे बताता है कि आप आज हम सबकी एक दोस्त के घर दावत है जिसका नाम फिलहाल सोजाना है और हम सबको वहाँ चलना है। नासिरुद्दीन खुश हो जाता है और वो जिस गलिए में था उसी गलिए में दावत में पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ उसके दोस्त उसके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं करते। कोई उससे बात तक करना पसंद नहीं करता क्योंकि उसका हुलिया काफ़ी ख़राब था, वो बहुत थका थकाया था, जूतों पर उसके धूल पड़ी हुई थी। तो ये सब देख के लोग उससे कतराते हैं, जिस बात को नासिरुद्दीन महसूस करता है कि उसके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। और वो फिर इस तरह उस दावत से निकल आता है, घर आता है, बेहतरीन लिबास पहनता है और दोबारा उस दावत में जाता है। तो सारे लोग उससे बड़ी आवकत करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। बस यही इस सबक में बताया गया है कि कपड़ों की अहमियत कितनी है आजकल लोगों की नज़र में। फिर वो लेकिन जब सब उससे बात करते हैं, आवकत करते हैं, तो फिर वो उनको आईना दिखाता है और सबको शर्मिंदा करता है और सारे लोग उससे माफ़ी मांगते हैं। इस सबक में यही सब बताया गया है और इस सबक को आपको दो से तीन बार बहुत अच्छे से बारीकी के साथ पढ़ना है ताकि जो बीच बीच में से ऑब्जेक्टिव टाइप छोटे छोटे सवाल आएंगे उनके जवाब आप बखूबी दे सकें। कुछ अल्फाज मायने के मुश्किल जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। मधु का मतलब होता है जिसको दावत दी गई हो। जबर, जबर का मतलब होता है बहुत चमकीला, चमकदार। तो नासिरुद्दीन कैसा लिबास पहन के गया? चमकीला, जबर। उस जमाने में ऐसे ही लिबास कीमती लिबास माने जाते थे। तीसरा है फातिर मदारत। फातिर मदारत के लफ्जी मायने होते हैं आओ भगत करना। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से इस सबक को बार बार पढ़ना है, इसके अल्फाज मायने पढ़ना है और इस सबक को जब आप बारीकी से पढ़ेंगे तो आपकी सब छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जिससे कि आपके लिए पी वन एग्ज़ाम काफ़ी आसान हो जाएगा।